तो आज हम बात करने वाले हैं इंट्राडे मार्केट की भगवद गीता के बारे में। जी हाँ दोस्तों, भगवद गीता मतलब ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन की मदद से हम कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालते हैं वो आज हम सीखने वाले हैं, और प्राइस एक्शन सीखने वाले हैं। प्राइस एक्शन ऑप्शन चेन से ही हमें पता चलता है कि कहाँ से प्राइस एक्शन ले सकता है, कहाँ से प्राइस एक्शन मतलब कहाँ से प्राइस रिवर्स हो सकता है, या फिर कहाँ से प्राइस बढ़ सकता है, या कहाँ से प्राइस घट सकता है। वो सारा कुछ मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, इसलिए मैंने इस वीडियो का टॉपिक दिया है भगवद गीता। जी हाँ, प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन, ये दोनों एक ऑप्शन बायर के लिए भगवद गीता है। तो इस वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा, पूरा देखिएगा, और अच्छे से चीज़ें समझिएगा जो मैं आपको समझाने वाला हूँ। जो चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ, लोग इसके लाखों रुपए चार्ज करते हैं, बड़े बड़े कोर्स बना रखे हैं और इसके पैसे चार्ज करते हैं, लेकिन मैं आपको फ्री में समझा रहा हूँ, इसलिए वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। अगर ये वीडियो आपने पूरी देखी और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया, बकवास लगी, तो आप कमेंट में गाली दे के ज़रूर जाइएगा। और मैं आपको ये आश्वासन देता हूँ कि ये वीडियो जितने भी मिनट की बने, आपने अगर इसको पूरा वॉच करा तो आप ज़रूर कुछ ना कुछ सीख के ज़रूर जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है। तो देखिए, अभी मार्केट यहाँ पे एक हाई बना रखा है, यहाँ पे इस लेवल पे, तो ये एक रेजिस्टेंस हो गया। और अगर हम सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे ये एक सपोर्ट हो गया इस लेवल पे, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ से नीचे आया तो इसने अपना सपोर्ट तोड़ा, और अगर यहाँ से ऊपर गया तो इसने अपना रेजिस्टेंस तोड़ा। तो ये हमने एक केवल नॉर्मल एक सपोर्ट निकाल रखा है और एक रेजिस्टेंस निकाल रखा है। और भी अगर हम बात करें सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, तो हमें पुराने चार्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एक और इसका सपोर्ट हो गया यहाँ पे, ये इस लेवल पे, ठीक है। और अगर हम बात करें, अलग अलग टाइम फ्रेम पे अपन निकाल सकते हैं, लेकिन अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, केवल वो चीज़ समझिए। फिर अगर हम एक और सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे एक सपोर्ट है। तो हमने कुल मिला के ये तीन सपोर्ट निकाल लिए, और इस रेजिस्टेंस को हम कर देते हैं रेड कलर का, ताकि आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। मतलब इसका मतलब क्या है, ये देखिए, तो ये हमने निकाल रखा है, तो हमें ऐसे नहीं निकालना है। ये एक फोमो है, ये एक केवल एक पर्टिकुलर है कि हमने नॉर्मली निकाल रखा है, लेकिन मार्केट इस हिसाब से नहीं चलता है। मार्केट चलता है डाटा के हिसाब से, ऑप्शन डाटा के हिसाब से। तो मैं आज आपको वही बता रहा हूँ, कोई भी यूट्यूबर आपको नहीं बताता है सीधा सीधा कि क्या होता है, क्या सिस्टम है, क्या नहीं। अगर आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, मैं जो चीज़ें आपको समझा रहा हूँ, जो चीज़ें सिखा रहा हूँ, या जो चीज़ें आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप वो चीज़ समझिएगा अच्छे से। नहीं तो लॉस तो हो ही रहा है, और लॉस चलता रहेगा। जब तक सीखोगे नहीं, जब तक समझोगे नहीं, तब तक आप अपने लॉस पर कंट्रोल नहीं कर पाओगे। मैंने भी बहुत लॉस करे हैं, ये नहीं है कि मैंने कोई पहले लॉस नहीं करा है, मैंने बहुत लॉस करे चीज़ों को समझने के लिए, चीज़ों को सीखने के लिए, तब जाके समझ में आई है। और मैं नहीं चाहता कि और भी जो नए भाई आ रहे हैं वो लॉस फेस करें, क्योंकि भाई बहुत बुरा वक्त होता है, लॉस जब आपका चल रहा होता है, लॉस पे लॉस ही होता रहता है हर दिन। तो उस चीज़ को आप समझिए, इसीलिए मैं आपको ये फ्री कोर्स बता रहा हूँ, तो आप अच्छे से इसको समझिएगा, ठीक है। अब दोस्तों, हमें क्या करना है कि हमें इस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं निकालना है। हमें जो सपोर्ट निकालना है, जो रेजिस्टेंस निकालना है, वो निकालना है ऑप्शन डाटा की मदद से। जी हाँ, ऑप्शन डाटा एक भगवद गीता है एक ऑप्शन बायर के लिए। डाटा को देख के ही आप सारा कुछ सिस्टम समझ सकते हो कि कहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है, या कहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, या कहाँ से मार्केट नीचे जाएगा। ये क्लियर बताता है ऑप्शन डाटा। मतलब देखा जाए तो 70% ऑप्शन डाटा के ही हिसाब से चलता है मार्केट। 30% अगर देखा जाए तो वो न्यूज़ बेस पे होता है, और थोड़ा बहुत अगर देखा जाए तो कोई बड़ा प्लेयर अगर मार्केट में आता है तभी होता है। लेकिन 70% मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, मार्केट ऑप्शन डाटा को ही फॉलो करता है। जो डाटा बोलता है वही मार्केट फॉलो करता है। वहीं से मार्केट अप होता है, वहीं से मार्केट डाउन होता है, वहीं से मार्केट में रिवर्सल आते हैं, जहाँ से ऑप्शन डाटा बोलता है। तब वो ऑप्शन डाटा हमें देखना कैसे, तो चलिए आगे चलते हैं। अब दोस्तों, आपको करना क्या है, आपको ये एक एप्लीकेशन दिख रहा होगा, सेंसिबल फॉर ऑप्शन ट्रेडिंग। आपको इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है, प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा, ये वहाँ से डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल कर लेना है, और इसको सिंपल सा ओपन कर लेना है, ठीक है।
ओपन करने के बाद आप अपने डीमैट अकाउंट से आप इसे लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद आप आ जाइए एनालिसिस में, ठीक है। एनालिसिस में आने के बाद आप चले जाइएगा ऑप्शन चेन में, आपको कहीं नहीं जाना। ऑप्शन चेन में जाने के बाद अब यहाँ पे आप देख सकते हो सर्च बार में आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी तीनों ही नज़र आ रहे होंगे। तो अभी हम निफ्टी की बात कर रहे हैं, अभी हम इसको निफ्टी ही रहने देते हैं। उसके बाद आपको LTP से आ जाना है OI पे, ठीक है दोस्तों। बड़े ध्यान से देखना, जो चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ, जो चीज़ें समझा रहा हूँ, आप उसको समझिएगा। OI पे आने के बाद आप देख सकते हो कि ये यहाँ पे अभी आ चुका है। अभी मार्केट कहाँ चल रहा है ये भी आपको यहाँ पे ऊपर नज़र आ रहा होगा, 21,894, मतलब लगभग 21,900 के अप्रोक्स पे मार्केट अभी चल रहा है। अब यहाँ पे आप सीखिए, भगवद गीता यही है, ये जो आप देख रहे हैं यही है भगवद गीता। अब इसको जिसने समझ लिया उसकी नैया पार है। तो अब देखिए इस साइड आप देख रहे हो, यहाँ पे है पुट OI और इधर है कॉल OI, ठीक है। ये जो रेड कलर में है ये है कॉल का डाटा, और ये जो ग्रीन कलर में है ये है पुट का डाटा, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक का समझ में आ गया, अब आगे समझिए। अगर इस साइड का डाटा, जो पुट साइड का जो ग्रीन कलर का डाटा है, वो अगर इधर ये जो रेड कलर का है कॉल साइड का डाटा, अगर हम 21,900 की स्ट्राइक प्राइस की अगर बात करें, तो आप देख सकते हो OI चेंज इसमें और OI चेंज इसमें। इधर अगर रेड कलर में OI चेंज देखें तो 10.9 है, मतलब कि 10,99,000 है ये, ठीक है। ये लाख में है लेकिन यहाँ पे अपने को पॉइंट में दिखा रहा है। अगर हम NSE की वेबसाइट पे अगर हम जाएं तो वहाँ पे लाखों में है ये। तो NSE की वेबसाइट में क्या है कि बहुत सारे बिगिनर भाई हैं जिनको समझ में नहीं आ पाएगा वहाँ का डाटा, इसलिए ये सिंपल सा एक रूल है, इसको बताने के ही लोग लाखों रुपए चार्ज करते हैं और कोर्सेज बना बना के बेचते हैं। लेकिन मैं आपसे कोई पैसा नहीं ले रहा हूँ, आप सीख जाओ, मेरे लिए वही बहुत है। अब मैं डेली मार्केट का एनालिसिस वीडियो अपलोड करूँगा, डेली चार्ट का क्या क्या स्ट्रैटेजी है, क्या क्या फॉलो करना है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं एवरी डे आपको कहाँ कहाँ हमारी एंट्री बनती थी, कहाँ कहाँ हमें एंट्री लेनी थी, सब कुछ एवरी डे मैं आपको गाइड करता रहूँगा, आप बने रहिए। तो चलिए अब हम वीडियो की बात करें। तो 21,900 पे आप देख सकते हो ये है 10 बता रहा है इधर 10.9 और इधर बता रहा है 35.5, ठीक है। मतलब अगर हम OI चेंज की बात करें, OI चेंज की बात करें तो इधर का ज़्यादा है पुट साइड का, और इधर अगर हम देखें तो 40 है कॉल OI, और इधर हम पुट OI देखें तो 37 है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या हो रहा है कि अगर इस साइड का पुट साइड का डाटा अगर ज़्यादा हो, पुट साइड का अगर, ध्यान से सुनना, अगर पुट साइड का डाटा अगर ज़्यादा हो तो हमें कॉल साइड में जाना है। कहाँ जाना है? कॉल साइड में, क्योंकि ये पुट राइटर है, ये पुट राइटर का OI डाटा है और ये कॉल राइटर का OI डाटा। आपने सुना होगा कॉल राइटिंग हो रही है, पुट राइटिंग हो रही है, उसका मतलब यही है। जो सेलर्स लोग होते हैं वो मार्केट को उनके हिसाब से चलाते हैं, जो बिग प्लेयर होते हैं, जो बड़े बड़े प्लेयर होते हैं, इंस्टीट्यूट वाले होते हैं, वो सारा गेम करते हैं। हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता, हम तो केवल बायर हैं, हमें तो बहती गंगा में केवल हाथ धोने हैं, ठीक है। आप ये इतनी बात हमेशा ध्यान रखना। देखिए दोस्तों, मैं आपको सारी बातें स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, आप वीडियो में बने रहिएगा। आपको मैं आश्वासन देता हूँ कि आपको इस वीडियो के बाद कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और आप अगर फिर भी समझ में ना आए कोई चीज़, आपका अगर डाउट रह जाए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपको बराबर आपको सपोर्ट करूँगा। नीचे मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट भी मैंने मेंशन कर रखा है, वहाँ से मुझे मैसेज करके आप मुझसे पर्सनली बात भी कर सकते हो, ठीक है। तो हमें देखना क्या है, हमें यह देखना है कि हमें अब हमारी एंट्री कहाँ बनेगी। अब हमें तो भैया इसमें तो सब कुछ दिख रहा है, सब पता चल रहा है। अब मान लो मार्केट अभी कहाँ चल रहा है, अभी मार्केट इस 21,900 की स्ट्राइक प्राइस पे है, ठीक है, 21,900 की स्ट्राइक प्राइस पे। तो 21,900 मेन चीज़ क्या है? OI चेंज, ठीक है। सबसे ज़्यादा हमें OI चेंज पे नज़र रखना है, ठीक है। ये केवल 10.9 है और ये है 35.5, ठीक है। और इधर का अगर हम देखें तो 37 है, 37.6, और इधर का हम देखें तो 40.8, ठीक है। मतलब इधर का ये ज़्यादा है थोड़ा, इसमें थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, 10-20 दो चार पॉइंट चलेगा। लेकिन हाँ, इसमें अगर हम दोनों इनमें अगर हम दोनों में देखें कहाँ पे OI चेंज में, मतलब लगभग 50% का अंतर होना चाहिए,
50% का, ठीक है। तो ये 50% से तो ज़्यादा है, मतलब यहाँ क्या हो सकता है, इस स्ट्राइक प्राइस पे मार्केट क्या हो सकता है, इधर का ज़्यादा है पुट साइड का, तो ये हमें क्या करना चाहिए, हमें यहाँ पे ज़्यादा है तो हमें क्या करना चाहिए, क्या हम यहाँ पे पुट बाई कर सकते हैं क्योंकि पुट साइड का डाटा है तो? जी नहीं, हमें पुट बाई नहीं करना है, हमें यहाँ पे कॉल बाई करना है क्योंकि यहाँ पे पुट राइटिंग ज़्यादा हो रही है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। अगर इस साइड का डाटा, अगर ग्रीन कलर का डाटा अगर ज़्यादा हो तो हमें ग्रीन कलर का ही लेना है, मतलब हमें कॉल ही बाई करना है, और अगर कॉल साइड का डाटा ज़्यादा हो, रेड कलर का डाटा अगर ज़्यादा दिखाई दे रहा हो तो हमें हमेशा पुट साइड का ही एंट्री लेना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमने पुट साइड का डाटा ज़्यादा हो रहा है तो हमने पुट ही बाई कर लिया, तो ऐसे में तो लॉस हो जाएगा। अदर इधर का ज़्यादा है, पुट साइड का ज़्यादा है तो हमें कॉल लेना है, कॉल साइड का ज़्यादा है तो हमें पुट लेना है, मतलब उल्टा करना है, ठीक है, इसका उल्टा करना है। भैया ये पुट साइड का वही डाटा इस स्ट्राइक प्राइस पे ज़्यादा हो रहा है तो हमें इसी स्ट्राइक प्राइस का हमें उल्टा कर लेना है, ठीक है। मतलब मैं आपको चार्ट में बताता हूँ सारा कुछ, पहले हम एक काम करते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है, इस डाटा की मदद से, समझ रहे हो, क्या करना है हमें इस डाटा की मदद से। तो अभी मार्केट कहाँ पे, यहाँ इस स्ट्राइक प्राइस पे है 21,900 की, तो हमें इससे चार पॉइंट चार स्ट्राइक प्राइस नीचे आ जाना है, 1, 2, 3, 4, ठीक है, चार स्ट्राइक प्राइस नीचे और चार स्ट्राइक प्राइस ऊपर, हमें एवरी डे 8 स्ट्राइक प्राइस का डाटा हमें अपने चार्ट पे लगाना है। और याद रखिएगा ये डाटा हर 5 मिनट 10 मिनट में चेंज होता रहता है, तो डाटा को हमें फॉलो करे बिना कुछ भी नहीं करना है डाटा पे। ऐसा नहीं कि हमने सुबह बना लिया और हम शाम तक उसी पे बैठे रहे, हमने 9:15 पे डाटा फॉलो कर लिया और हमने जो बनाना था वो बना लिया, उसके बाद 3:30 बजे तक हम उसी डाटा पे ही बैठे हैं और फिर हमने डाटा देखा ही नहीं, नहीं ऐसा नहीं करना है। हमें हर 10 मिनट हर 15 मिनट में डाटा को देखते रहना है क्योंकि जो डाटा हर 5 मिनट में हर 10 मिनट में चेंज होता रहता है, ठीक है, कॉल राइटिंग पुट राइटिंग घटती रहती है बढ़ती रहती है, तो हमें डाटा को फॉलो करते हुए ही अपनी एंट्री बनानी है, ठीक है। तो चलिए जी अब हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो हम सबसे पहले एक काम करते हैं, 21,900 की स्ट्राइक प्राइस की चार स्ट्राइक प्राइस नीचे ऊपर चलते हैं इस साइड, मतलब बढ़ते क्रम में, तो 22,100 ये आ रहा है, तो 22,100 पे क्या हो रहा है, अब देखिए OI चेंज अगर हम देखें तो इधर पुट साइड 6.4 है और इधर 14.0 है, और चेंज इन OI की अगर हम बात करें तो इधर केवल 6.8 है और इधर 35.5 है, मतलब कुल मिला के इधर बहुत ज़्यादा है, कॉल का डाटा बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जा पाएगा, यहाँ से मार्केट नीचे ही आना है। तो चलिए जी अब हम चार्ट पे चलते हैं, तो ये आ गया हमारा चार्ट, ये रही 22,100। आपको 1 to 8 करेक्ट आपकी स्ट्राइक प्राइस पे जाके हमें ये करना है जो मैं आपको अभी करके बता रहा हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन चीज़ों को आप सीख जाओगे, अच्छे से समझ पाओगे, वो ही बहुत है। यहाँ पे गए और हमने एक रेड लाइन बना ली, मतलब ये एक रेजिस्टेंस है। अब ये रेजिस्टेंस कौन सा रेजिस्टेंस है, ये बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है, इसलिए हम इसको 4 गुना लंबा कर देते हैं, मतलब यहाँ से मार्केट ऊपर जा ही नहीं सकता, ठीक है, ये इतना हेवी रेजिस्टेंस है, ठीक है। और अगर हम और बात करें तो अब अगली स्ट्राइक प्राइस क्या आ रही है, 22,050 के स्ट्राइक प्राइस है। तो 22,050 के स्ट्राइक प्राइस पे क्या हो रहा है, इधर अगर हम पुट साइड का अगर डाटा देखें तो 3.1 है और इधर कॉल साइड का डाटा देखें तो 6.1 है, 3 है। अगर हम इधर का और देखें तो 3.3 है और इधर 13 है, मतलब लगभग इससे बढ़ता हुआ है सारा कुछ। तो यहाँ से भी मार्केट क्या हो सकता है, यहाँ से भी मार्केट रिवर्स हो सकता है। तो चलिए जी इसको भी हम कर लेते हैं, 22,050 के स्ट्राइक प्राइस पे ये एक और यहाँ पे हमने हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी कि यहाँ से भी अगर मार्केट यहाँ तक भी अगर जाएगा तो मार्केट यहाँ से वापस पुट साइड के लिए रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगली स्ट्राइक प्राइस क्या है हम वो देख लेते हैं, अगली स्ट्राइक प्राइस है 22,000 की, 22,000 पे क्या हो रहा है, अब आप ये देख लीजिए, यहाँ पे अगर इधर देखा जाए तो 6.4 है और इधर देखा जाए तो 14.4 है और इधर अगर देखा जाए तो 39.5 है और इधर अगर देखा जाए तो 16.2 है, मतलब टक्कर इधर अगर हम देखा जाए तो बराबर है क्योंकि ये आधा है
ये अगर कोल साइट का अगर हम देखें, कोल चेन, कोल ओआई, तो इधर बड़ा हुआ है और इधर पुट ओआई देखें तो ये घटा हुआ है, कम है, मतलब इससे आधा है। लेकिन अगर हम ओआई चेंज की बात करें तो ये इधर 14 है और इधर 6 है, मतलब बराबर का कंपटीशन है, कुछ कह नहीं सकते। तो ऐसे में हमें क्या करना है, ऐसे में हमें क्या करना है, हम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे मार्केट कुछ साइडवेज हो सकता है, मतलब ये वो दर्शाता है डाटा। यहाँ पे हमें एंट्री बनानी ही नहीं है क्योंकि ये एक रिस्की वाली एंट्री है। क्या है? रिस्क वाली एंट्री है, तो हमें रिस्की एंट्री लेना ही नहीं है कभी, क्योंकि अगर इसी में लोग फंस जाते हैं, रिस्की वाली एंट्री ले लेते हैं और फिर उनका लॉस हो जाता है। ठीक है, 22,000 पे अगर हम देखें तो यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है, हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते, इसलिए हम इसको केवल 2x कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ रिस्क हो सकता है, इसलिए हम, क्योंकि ये जो है यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है, ये कुछ कंफर्मेशन रेजिस्टेंस नहीं दिखा पा रहा है, सो नहीं हो पा रहा है। उसके बाद अगर हम अगली स्ट्राइक प्राइस की बात करें तो अगली स्ट्राइक प्राइस क्या है, 21,950 की। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर हम देखें तो 8.8 है और इधर अगर हम देखें तो 9.4 है, और इधर अगर हम देखें तो 9.1 है और इधर हम देखें तो 15.9 है, मतलब देखा जाए तो ये थोड़ा बढ़ रहा है लेकिन कुछ खास नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, हाँ मान सकते हैं कि थोड़ा बढ़ रहा है, हमें 2-3 पॉइंट का अंतर नहीं देखना है, हमें जहाँ एंट्री लेनी है वहाँ पे कम से कम आप यूँ मान के चलिए कि अगर इधर साइट 8 है तो इधर कम से कम 16 होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 16, ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी हो, लेकिन अगर कम से कम अगर हमें देखना चाहिए तो 16 तो होना ही चाहिए, इससे ज़्यादा होना ही चाहिए, तो वो एक कन्फर्मेशन एंट्री मानी जाती है कि इधर का डाटा डबल है तो वहाँ से मार्केट रिवर्स ही होगा, नहीं जा पाएगा ऊपर, डाटा ये बोलता है। तो यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे अगर हम एंट्री बनाएंगे ना तो ये जो है ना, ये पुट राइटर, ये कॉल राइटर पे हावी हो जाएंगे और यहाँ से मार्केट को ये ऊपर ही ले जाएंगे, समझ रहे हो? तो ऐसे में हमें खुजली वाली एंट्री नहीं करनी है। तो लेकिन अगर डाटा जो बोल रहा है हम तो केवल वो फॉलो करना है, डाटा क्या बोल रहा है, हमें तो केवल सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालना है, यहाँ हमारी एंट्री नहीं हो रही है, हमें यहाँ एंट्री नहीं बनानी है। ठीक है, तो यहाँ से भी मार्केट एक रिवर्सल आ सकता है, तो यहाँ पे भी हम एक रिवर्सल का साइन लगा देते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे भी हमने एक रिवर्सल का साइन लगा दिया। अब और ये हमारे सारे रेजिस्टेंस हो गए, और देख लेते हैं रेजिस्टेंस कहाँ पे बिल्डअप हो रहा है। अब अगली एंट्री हमारी आ रही 21,900 की, यहाँ पे क्या हो रहा है, 21,900 पे अगर देखें तो ये 10 है और इधर 35 है, ये 40 है, इधर 37 है, मतलब देखा जाए तो ये इसका डबल है और ये, मतलब यहाँ से मार्केट ऊपर ही जाएगा क्योंकि ये कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है इनमें, केवल 3-4 पॉइंट का ही अंतर है, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये यहाँ पे 1.5 गुना ज़्यादा है, मतलब डबल से भी ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ से ये इस पर हावी नहीं हो पाएंगे, इसलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम 21,900 पे हम एक सपोर्ट बना देते हैं, ये हो गया सपोर्ट। तो सपोर्ट के लिए हम क्या साइन करेंगे, यहाँ पे ग्रीन कलर की लाइन, ठीक है, ये सपोर्ट है जो जो जहाँ पे अभी मार्केट चल रहा है, मतलब यहाँ इस सपोर्ट से नीचे नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ओआई चेंज में देखिए इधर 35 है और इधर कॉल ओआई चेंज में देखिए तो इधर 10 है। ठीक है, तो ये एक हेवी सपोर्ट बन चुका है, तो यहाँ से कॉल, अगर एक बार और आप कन्फ्यूज़न मत होइएगा, पुट साइड में अगर ज़्यादा हो तो ऊपर जाएगा मार्केट, कॉल साइड में अगर ज़्यादा हो तो नीचे आएगा मार्केट। ठीक है, तो इधर ज़्यादा है तो इसलिए यहाँ पे एक सपोर्ट है, यहाँ से मार्केट ऊपर ही जाएगा। अभी हम और नीचे आए तो यहाँ पे देखिए आप, एक और स्ट्राइक प्राइस है और नीचे आए तो 21,850 पे अगर हम देखें तो ये एक हेवी सपोर्ट है। यहाँ देखिए दोस्तों, इधर कितना है 3.8 और इधर कितना है 27.5, इधर कितना है 12.2 और इधर कितना है 28.3, मतलब ये एक बहुत हेवी सपोर्ट है, कहीं गुना ज़्यादा, मतलब इधर पुट राइटर बैठे हुए हैं और इधर कॉल राइटर मतलब आधे भी नहीं हैं, तो ये एक बहुत बड़ा हेवी सपोर्ट है 21,850 का। तो 21,850 के स्ट्राइक प्राइस पे देखिए, ये 21,850 का लेवल और यहाँ पर हमने
ये एक बहुत ज़्यादा हेवी सपोर्ट है, तो इसको हम 4x कर देते हैं, मतलब यहाँ से मार्केट नीचे ही नहीं जाएगा। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ, आपने सुना होगा 3 PM, ठीक है? अगर आप बिगिनर हो तो आपने नहीं सुना होगा, लेकिन आपको अगर 3, 4, 5, 6 महीने हो गए हैं ट्रेडिंग करते हुए, तो आपने 3 PM के बारे में सुना होगा। तो ये देखिए, यहाँ पे ये 2:55 की कैंडल, 3 PM में क्या होता है, 2:55 की कैंडल का हाई मार्क करा, लो मार्क करा, जिधर मार्केट जाएगा 3 PM वाली कैंडल में, उधर का हमें ट्रेड लेना होता है। लेकिन मैं इसको प्रिपेयर नहीं करूँगा, क्योंकि इसमें कुछ नहीं कह सकते, बहुत सी बार ये नहीं भी होता है और बहुत सी बार ये हो जाता है, मतलब ये एक कुछ कन्फर्मेशन वाली ट्रेड नहीं होती, ठीक है? इसमें बहुत सी बार SL हो जाता है और इसमें बहुत सी बार बहुत बढ़िया प्रॉफिट भी हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे 3 PM में क्या हुआ, मार्केट ऊपर गया, 3 PM ने ऊपर कॉल साइड लोगों की एंट्री बनाई, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से मार्केट वापस रिवर्स आया, रिवर्स आया, रिवर्स आया, नीचे गिरा, नीचे गिरा, और यहाँ देखिए 21,850 के लेवल पे जाके फिर यहाँ से बाइंग, यहाँ से मार्केट ने रिवर्सल ले लिया। अब देखिए रिवर्सल क्यों लिया, यहाँ से रिवर्सल क्यों लिया 21,850 के लेवल से, क्योंकि अभी हमने ऑप्शन डाटा का जो देखा है, ऑप्शन का जो डाटा है उसको अभी हमने देखा, तो वहाँ पे क्या बता रहा था, यही बता रहा था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पुट राइटर बैठे हुए हैं, वो यहाँ पे मार्केट को नीचे नहीं जाने देंगे। तो यहाँ से देखिए वापस रिवर्सल आ गया। आया समझ में कैसे क्या डाटा फॉलो करना है, कैसे क्या डाटा काम करता है, ये होता है ऑप्शन डाटा, देखिए आपके सामने ही, ठीक है? ये कल का ही डाटा है, एंडिंग का, यह आप देख रहे हो तो, और ये जो हम देख रहे हैं कैंडल, ये कल की ही है। तो कुछ इस तरह से डाटा काम करता है। अभी देखिए, अभी बहुत सारी चीज़ें सीखनी बाकी है, मैं सारी कुछ इसी एक वीडियो में आपको पूरा ही सिस्टम समझा दूंगा, क्या होता है, क्या नहीं होता है, हमें कैसे एंट्री बनानी है, कैसे नहीं बनानी है। अब वीडियो में बने रहिएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ पे इस कैंडल के हाई पे, या फिर अगली कैंडल, जैसे ही आपकी ये ग्रीन हो गई थी, इस कैंडल, अगली जो ग्रीन कैंडल बन रही है, यहाँ पर आप एंटर हो सकते थे। ऑप्शन डाटा की मदद से आपकी यहाँ एंट्री बन सकती थी और बहुत बढ़िया आपको टारगेट देखने को मिल सकता था, ठीक है? और अभी हमें और देखना बाकी है, तो अभी हम और सपोर्ट बना लेते हैं। अब हम बात करते हैं 21,800 के लेवल की। तो 21,800 पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी आप देखिए केवल 1.3 है और इधर 64.7 है, इधर अगर हम देखें तो 26.5 है और इधर अगर हम देखें तो 70.1 है, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा पुट राइटिंग हो चुकी है। अब बहुत ज़्यादा पुट राइटिंग हो चुकी है तो इसका क्या मतलब है, यहाँ से मार्केट नीचे नहीं जाएगा, अगर मार्केट यहाँ आएगा तो यहाँ से भी ऊपर ही जाना है मार्केट को। तो चलिए जी, यहाँ का भी हम लेवल मार्क कर लेते हैं 21,800। तो ये रहा हमारा 21,800, यहाँ पे भी हमने सपोर्ट बना लिया। अब एक और रह गया है हमारा, वो है 21,750। यहाँ पे भी देखिए, इधर केवल 1.1 है, इधर 35.6 है, इधर 13.4 है, तो इधर 38.0 है, मतलब यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा हेवी पुट राइटिंग है। अगर मार्केट यहाँ तक भी आएगा तो यहाँ से भी मार्केट ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं जा पाएगा, ठीक है? तो इसको भी हम मार्क कर लेते हैं। चलिए जी, ये यहाँ पे भी हमने इसको अच्छे से मार्क कर लिया। आपको पॉइंट बाय पॉइंट जो स्ट्राइक प्राइस है वहाँ पे मार्क करना है, ठीक है? यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये आप देख सकते हो, ये इतने सारे हमने 4 रेजिस्टेंस निकाल लिए हैं, कौन सा तगड़ा है कौन सा नहीं है, इधर हमने 4 सपोर्ट निकाल लिए हैं, कौन सा तगड़ा है कौन सा नहीं है, मतलब हैवी सपोर्ट। हमें एवरी डे ऐसे ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालने हैं, ना कि हमें ऐसे निकालने हैं कि इस तरह से यहाँ से एक सपोर्ट बन रहा है, यहाँ से एक रेजिस्टेंस बन रहा है, नहीं, हमें इस तरह से नहीं करना है। हमें ऑप्शन डाटा की मदद से ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालना है। ये चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई नहीं बताता होगा आपको। अभी यूट्यूब पर जब मैं नया नया था, मैंने बहुत सारी वीडियो देखी, लेकिन मुझे आज तक किसी ने नहीं बताई, लेकिन लॉस करते करते सब कुछ हमें चीज़ें धीरे धीरे समझ में आ जाती है। तो मेरा मकसद यही है कि जितने भी भाई आ रहे हैं ट्रेडिंग में, वो कोई भी लॉस फेस ना करें। अगर किसी का लॉस चल रहा है तो भाई इस वीडियो को प्लीज़ उस तक ज़रूर शेयर कीजिएगा, आपका जो भी दोस्त है, भाई है, या जो भी आपका रिलेटिव्स है, उन तक मेरी ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइएगा, अगर वो ट्रेडिंग करते हैं तो।
चलिए जी, तो अब हमने सारे सपोर्ट भी निकाल लिए, सारे रेजिस्टेंस भी निकाल लिए, ये आप देख सकते हो। तो सब कुछ इसी के बेस पे चलता है, कहाँ क्या हमने ऑप्शन डाटा की मदद से ये सारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालना है। आपको भी एवरी डे ऐसा ही करना है, ठीक है भाई? आपको एवरी डे ऑप्शन डाटा की मदद से ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालने हैं, तभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे, नहीं तो लॉस में ही जाओगे। कुछ मतलब नहीं है अगर आप यहाँ की कॉल वहाँ की कॉल, और ख़ुद से करना सीखिए। अगर आप खुद से नहीं करोगे तो आप सीखोगे कैसे? कहीं से भी आपने YouTube की टिप्स ले ली, कहीं से टेलीग्राम से टिप्स ले ली, या किसी से भी कहीं से भी आप टिप्स फॉलो कर रहे हो, तो उसमें कुछ नहीं होना है भाई, लॉस ही होना है। कब तक करते रहोगे, कब तक प्रॉफिट करते रहोगे इसी तरीके से? जब तक आप सीखोगे नहीं, खुद से करना सीखो, ठीक है? मैं तो कह रहा हूँ, मैंने भी पहले बहुत ये सब फर्जी वाड़ा जो होता है टेलीग्राम पे, इन सबको मैंने बहुत फॉलो करा, लेकिन एंड में जाके लॉस ही हुआ। तो फिर मैंने क्या, बहुत फिर बैठ के सीखा, समझा सारी चीज़ें, और मैं आज आपको ये सारी चीज़ें समझा रहा हूँ। आप सीख जाओ और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, जो भी आपके ट्रेडर भाई हैं, दोस्त हैं, या फिर रिलेटिव्स हैं, उन तक भी ज़रूर पहुँचाइएगा, ठीक है? अब यहाँ तक तो अब हमने कर लिया बराबर, ये हमें सब कुछ समझ में आ गया। अब हमारी एंट्री कैसे बनेगी, कहाँ से बनेगी, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ एंट्री का क्या सिस्टम है। मान लीजिए ये यहाँ पे हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना लिए, ठीक है? अब मान लीजिए यहाँ से मार्केट जा रहा है, ये हमने एक ब्रश भी ले लिया। अब देखिए ये 50 पॉइंट का एक यहाँ पे दिख रहा है, एक सेकेंड मैं थोड़ा और यहाँ चलते हैं, ठीक है? यहाँ पे इस स्ट्राइक प्राइस पे चलते हैं क्या। अब यहाँ मान लीजिए कि ये एक हेवी रेजिस्टेंस बन चुका है, ठीक है? और ये एक हेवी सपोर्ट बन चुका है, ठीक है? अब देखिए मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है, अपने रेजिस्टेंस पे, और यहाँ से मार्केट ऐसे ऐसे करते हुए यहाँ तक आया अपने सपोर्ट पे, ठीक है? अपना जो पहला सपोर्ट है यहाँ तक आया। अब यहाँ पे आके आपने देखा ऑप्शन डाटा कि यहाँ से मार्केट नीचे तो नहीं गिर सकता, जो मैंने आपको बताया था कि 50% से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, इस स्ट्राइक प्राइस पे। तो अगर पुट साइड का डाटा अगर हम देखें तो यहाँ पे 50% से ज़्यादा है कॉल साइड का डाटा के मुकाबले, तो मतलब यहाँ से मार्केट रिवर्सल हो सकता है। तो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनाएगा मार्केट, तो उसकी अगली ग्रीन कैंडल पर हमें एंट्री लेनी है। यहाँ से ग्रीन कैंडल बनी, अगली ग्रीन कैंडल पर हमने एंट्री ली, और थोड़ा पेशेंस रखना है। जब तक कि हमारा लेवल नहीं आ जाता है तब तक हमें पेशेंस रखना है। ऐसा नहीं कि हमने एंट्री बनाई और एक दो मिनट उसमें रहे और निकल गए, भाई एक दो मिनट में कुछ नहीं होता ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग में पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। जब तक कि आप में पेशेंस नहीं आएगा तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। आपने एंट्री ले ली ना, आपको बिलीव करना पड़ेगा। शुरू में आपको नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे आपको एक लोट से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। कॉन्फिडेंस आ जाए उसके बाद आप अपनी पोजीशन साइज बढ़ा सकते हो, लेकिन जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आए तब तक आपको एक लोट से ही काम करना पड़ेगा। फिर धीरे धीरे मार्केट यहाँ तक जाता है, ठीक है, समझ रहे हो? फिर मान लो कि यहाँ पे भी अगर आपने देख लिया ऑप्शन डाटा, यहाँ पे भी कॉल राइटिंग ज़्यादा हो रही है या पुट राइटिंग ज़्यादा हो रही है, उस हिसाब से हम यहाँ पे एग्जिट कर लेते हैं। लेकिन 1:1 या 1:2 रिस्क रिवॉर्ड के बिना हमें नहीं निकलना है। और यहाँ पे हमने एंट्री ली तो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो कहाँ होगा? इसी स्ट्राइक प्राइस के नीचे, जस्ट यहाँ। मतलब यहाँ पे हमने एंट्री बनाई थी एक ग्रीन कैंडल को देखते हुए, तो यहाँ से अगर मान लीजिए ये जो है 21,850 के लेवल से अगर नीचे कोई सी कैंडल आती हुई आपको दिखे तो हमें तुरंत एग्जिट कर देना है। ये हमारा स्टॉप लॉस, और स्टॉप लॉस के बिना हमें कभी भी एंट्री नहीं बनानी है, ठीक है? ये तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब चलिए बात कर लेते हैं कुछ इंडिकेटर्स की। तो चलिए अब हम इंडिकेटर्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक और चीज़ मेरे को दिख रही है जो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप देखिए, बहुत सी बार आप क्या करते हो कि बिग बार कैंडल बनी है तो चलो एंट्री कर लेते हैं, लेकिन हमें ऐसे एंट्री नहीं करना है। बिग बार हो या फिग बार हो, हमें कुछ भी एंट्री नहीं करना है बिना ऑप्शन डाटा को देखे, नहीं तो आप फंस जाओगे। ये देखिए यहाँ पे ये वाली एक बिग बार कैंडल बनी, और वहाँ से मतलब कौन से लेवल से बनी है ये, हम वो वाला लेवल भी देख लेते हैं। मतलब लगभग इस लेवल से बनी है, 21,650 के लेवल से। इसको सही साठ जगह सेट कर देते हैं ताकि आपको समझने में
ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। ये देखिए, अरे फिर हट गया। ये देखिए 21,600 के लेवल पे यहाँ पे ये एक बिग बार कैंडल बनी। बहुत सारे भाई क्या करते हैं कि बिग बार कैंडल बनी है, बहुत सारे यूट्यूबर बताते हैं, उनकी भी कोई गलती नहीं है, सिखाया ही यही गया है कि बिग बार सेटअप, बिग बार सेटअप। अरे काई का बिग बार सेटअप, ऑप्शन डाटा भी कुछ चीज़ होता है, ऑप्शन डाटा को ही फॉलो करता है मार्केट। ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, इतनी बड़ी बिग बार मतलब इस पूरे मार्केट में कहीं पर भी इतनी बड़ी कैंडल नहीं दिख रही होगी जितनी बड़ी ये रेड कैंडल है। ठीक है, ये आई और यहाँ 21,600 का लेवल, ये आप देख सकते हो 21,600 का लेवल, यहाँ पे आके वापस मार्केट, अगर किसी ने एंट्री बनाई होगी इसको देख के कि चलो मैं यहाँ पे एंट्री बना लेता हूँ और अब मार्केट नीचे ही जाने वाला है क्योंकि इतनी बड़ी बिग बार कैंडल बनी है, तो यहाँ से देखिए डायरेक्ट मार्केट वापस दो कैंडल में ऊपर और एंड में पूरा का पूरा ही लॉस। ऐसे में लोग लॉस खा जाते हैं, तो हमें ऑप्शन डाटा को फॉलो करना है, ना कि हमें बिग बार कैंडल बन गई या ये बन गई ना वो बन गई, ऐसा कुछ नहीं करना है, हमें केवल डाटा को ही फॉलो करना है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कुछ इंडिकेटर्स की। तो यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले जो इंडिकेटर्स है वो है, आपको दो EMI सिलेक्ट करनी है, एक है 5 EMA, एक है 50 EMA और एक है पिवट पॉइंट। ठीक है, पिवट पॉइंट को आप यहाँ पे सेटिंग में जाके इसको आप ट्रेडिशनल से फिबोनाची कर लीजिएगा और यहाँ पे इन EMI की सेटिंग में जाके यहाँ पे एक को आप 5 कर लीजिए, एक को आप 50 कर लीजिए। ठीक है, ये इतना आपने काम कर लिया बराबर, तो ये इंडिकेटर आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। अब ये देखिए, पहले हम समझते हैं पिवट पॉइंट को। तो यहाँ पे ये देखिए, अगर हम कल के मार्केट की अगर हम बात करें तो कल निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पे था, इसलिए ज़्यादा कुछ पिवट पॉइंट नहीं बना पाया, लेकिन जहाँ तक का था वहाँ तक का आप देखिए, ये पिवट पॉइंट दिख रहे होंगे आपको, ये इधर यहाँ पे, ये इधर यहाँ पे, ये चॉकलेटी कलर में जो आपको दिख रहे हैं ये सारे पिवट पॉइंट है, मतलब यहाँ से भी संभावना होती है। ये एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट, बहुत सारे लोगों को लगाना नहीं आता है, तो ये पिवट पॉइंट में जाके आप इसको फिक्स ही कर सकते हो अपने चार्ट पे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आया, यहाँ पे मार्केट ने यहीं से रेजिस्टेंस ले लिया। अब यहाँ से क्यों लिया, ये देखिए यहाँ से ही क्यों लिया, क्योंकि भाई यहाँ पे एक आप देख सकते हो ये आगे से चल के एक, इसको मैं वापस थोड़ा ब्लैक कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, और इसको 1 कर देता, चलो 2 कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये एक पिवट पॉइंट का सिग्नल आ रहा है, तो यहाँ पे इस पिवट पॉइंट को लिया है। ये देखिए मार्केट यहीं से ही रिवर्स हुआ, तो ये काम करता है पिवट पॉइंट। ठीक है, जहाँ पे हमें पिवट पॉइंट दिख रहा है वहाँ पे भी हमें थोड़ा ध्यान रखना है इसको भी। ठीक है, यहाँ से फिर मार्केट ऊपर, यहाँ से फिर मार्केट रिवर्स हो गया, ये देखिए आप, ये देखिए और कितना बढ़िया रैली दिखाया। इसी तरह से आप यहाँ पे भी देख सकते हो, मार्केट यहाँ से ओपन हुआ और यहाँ तक ऊपर गया इस पिवट पॉइंट तक, और यहाँ से वापस फिर नीचे आया, इस पिवट पॉइंट पे कैंडल क्लोज हो गई और यहाँ से मार्केट रिवर्स हो गया। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए यहाँ से फिर ऊपर या साइडवेज हो गया, यहाँ से फिर नीचे आया, यहाँ से फिर ये एक सपोर्ट था तगड़ा, तो यहाँ से फिर वापस मार्केट रिवर्स हो गया। तो कुछ इस तरह से ये आपको हेल्पफुल करेगा। ठीक है, तो हमें इस इंडिकेटर को भी नज़र रखना है, ऐसा नहीं कि हम इसको भूल जाएं। उसके बाद जो 5 EMA है वो बहुत काम का है। देखिए 5 EMA एंट्री में आपको बताता हूँ, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये देखिए ऑप्शन डाटा, 5 EMA और पिवट पॉइंट, ये तीन स्ट्रेटेजी आपको हमेशा याद रखनी है। क्या क्या, एक तो ऑप्शन डाटा के खिलाफ़ नहीं जाना है, जो ऑप्शन डाटा बोल रहा है हमें वही करना है। पिवट पॉइंट हमारा एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालने की मदद करता है, मतलब फिबोनाची बोल सकते हो आप इसको, ये हमें कि कहाँ तक मार्केट ऊपर जा सकता है या कहाँ तक मार्केट नीचे जा सकता है, ये भी हमारी हेल्प करता है जिस लेवल पे चल रहा होता है वहाँ पे। 5 EMA हमें देता है, एंट्री देता है निकाल के। तो ये देखिए 5 EMA का रूल क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए यहाँ पर एक कैंडल बनी, ठीक है, ये इस कैंडल को आप देख सकते हो रेड कलर की। अब इसका क्या नियम है कि अगली जो कैंडल है ये वाली कैंडल इस कैंडल का हाई मार्क ना करे, ये जो इसका हाई है, ये जो इस कैंडल का हाई है इसको ब्रेक ना करे और इसके लो को पहले ब्रेक करे। मैं इसको हटा देता हूँ, आप कंफ्यूज ना हो। इसका जो हाई मार्क है इसका हाई ब्रेक ना करे और इसका लो ब्रेक करे पहले। अब इसने लो ब्रेक करा,
5 AM में कैंडल के ऊपर बनी कैंडल, इसने लो ब्रेक करा, तो लो ब्रेक करते ही हमारी एंट्री बन जाती है और जो स्टॉप लॉस होता है वो हमारा इसी कैंडल के हाई पे होता है, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होता है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो कि कितना बढ़िया मार्केट ने एक रैली दिखाया। अब हमारी एंट्री यहाँ क्यों बनी, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप बोलोगे कि सर यहाँ पे तो सपोर्ट भी नहीं है, रेजिस्टेंस भी नहीं है, मार्केट तो एक बीच में है। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पिवट पॉइंट है, ये देखिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट का एक पिवट पॉइंट है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ये देखिए। जब मार्केट बीच में होता है कि ना तो यहाँ पे है और ना यहाँ पे बीच में है, तो क्या करें, तो ये हमारा इंडिकेटर जो है पिवट पॉइंट, वो हमारी इसी सिचुएशन में हमारी हेल्प करता है, समझ रहे हो। तो यहाँ से फिर मार्केट आप देख सकते हो कितना बढ़िया फॉल करा, ये देखिए मार्केट पूरा फिर नीचे आ गया, समझ रहे हो। लेकिन हमें ज़्यादा लालच नहीं करना है, ज़्यादा नहीं अटकना है इसमें, हमारा एम केवल ऑप्शन डाटा को देखते हुए ही चलना चाहिए। अगर ये जो इसका सपोर्ट है यहाँ पे, अगर ऑप्शन डाटा बोल रहा है कि यहाँ से मार्केट नीचे ही जाएगा, तो हम यहाँ पे बने रह सकते हैं, नहीं तो फिर हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, ठीक है। और हमें अगर हमें बने रहना है तो हमारे स्टॉप लॉस को यहाँ से हमें यहाँ ले आना है, ताकि जाए कुछ भी नहीं और आए पूरी दुनिया, ठीक है। या फिर हम यहाँ तक ले आएंगे अपने स्टॉप लॉस को, इसी तरह से हमें काम करना है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगी होगी, आगे चल के आपको बहुत मदद मिलेगी इस वीडियो। अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मुझे बताइएगा, मैं आपकी हेल्प बराबर करूँगा। कुछ भी अगर आपको ऐसा लग रहा हो, डाउट हो, तो मैं आपकी हेल्प बराबर करूँगा। और मैं एवरी डे, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अगर मैंने आपकी कुछ हेल्प करी हो तो। आपको लग रहा है कि नहीं हमें इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं एवरी डे हर रोज़ मार्केट एनालिसिस की वीडियो अपलोड करूँगा, जहाँ से मैं आपको बताऊँगा कि कहाँ एंट्री हो रही है, कहाँ एग्ज़िट होना था, और सारा कुछ मैं आपको बताऊँगा। और भी बहुत सारी वीडियो है जो कि मैं अपलोड करूँगा इस चैनल पे, जितने भी बिगिनर भाई हैं उनको सिखाने के लिए, और सारा कुछ फ्री है, कोई कोर्स नहीं है मेरा, ना ही मैं कोर्स बनाने वाला हूँ, कुछ भी नहीं, सब कुछ फ्री ही रहेगा यहाँ पे, जो भी है जैसा भी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको क्या समझ में आया या क्या समझ में नहीं आया, और मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है।